गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 के हिंदी रीडर में अध्याय 4 पढ़ेंगे, जो एक कविता है जिसका नाम है फूलों के गुच्छे। चौथा अध्याय, फूलों के गुच्छे। ये जो देख रहे हो तुम फूलों के गुच्छे, ये भी हैं तुम जैसे धरती माँ के बच्चे। तो बच्चों, कवि ने इस पोयम में क्या कहा है? ये जो देख रहे हो तुम फूलों के गुच्छे, ये भी हैं तुम जैसे धरती माँ के बच्चे। जैसे हम बच्चे अपनी धरती माँ के हैं, उसी तरह ये फूलों के गुच्छे जो हैं वो भी धरती माँ के बच्चे हैं। इन्हें देखकर मधुर गीत पंछी गाते हैं, थकी हुई आँखों में सपने तिर जाते हैं। इसका मतलब है बच्चों, और जो इन फूलों को देखकर पंछी जब देखते हैं फूलों को तो बहुत खुश होते हैं। पंछी ही नहीं, हम लोग भी खुश होते हैं। हर एक जीव फूलों की सुंदरता को देखकर बच्चों खुश हो जाते हैं, उनका मन पुलकित हो जाता है। और जब वो थक हार कर शाम को उन फूलों को देखते हैं तो उनके आँखों में फिर से वो सपने तैरने लगते हैं, तिर जाते हैं, यानी सपने तैरने लगते हैं कि हमें फिर अपने सपनों को पूरा करना है। उजली रातों में ये लगते नव के तारे, दिन में इंद्रधनुष से मोहक प्यारे प्यारे। इसका मतलब है बच्चों, चांदनी रात में ये इससे देखने में फूलों को जब हम देखते हैं तो ये आकाश के तारों की तरह लगते हैं, और दिन में सतरंगी इंद्रधनुष की तरह मनमोहक लगते हैं। बगिया में रंग बिरंगे फूलों को जब हम देखते हैं बच्चों तो रात में कैसे लगते हैं? आकाश के टिमटिमाते तारों की तरह, और दिन में इंद्रधनुष के सतरंगी रंगों के तरह मनमोहक लगते हैं। जब तक ये हैं तब तक भू पर सुंदरता है, भोली भाली परियों की सी कोमलता है। इसका मतलब है बच्चों, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि हमारे धरती की रौनक पेड़ पौधे हैं। सुंदर सुंदर जब पेड़ों पर फूल फल लगे होते हैं और पेड़ों से हरियाली मिलती है तो धरती बहुत सुंदर लगती है, और उसकी ज़रूरत भी हमें है, पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है, सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो यहाँ जिक्र किया गया है कि भू तब तक सुंदर है, भू का मतलब बच्चों धरती, हमारी धरती, जब तक ये पेड़ पौधे हैं। और भोली भाली परी सी, परियों की कहानी हम लोग सुनते हैं, उसी के जैसे ये कोमल है। कौन? फूलों की बात हो रही है बच्चों। पौधों की डालों पर इनको मुस्काने दो, दुनिया के आंगन में खुशबू भर जाने दो। कवि कहते हैं बच्चों, इन फूलों को पेड़ों की डाली पर रहने दो और उसे मुस्कुराने दो। मतलब फूल जो होते हैं बच्चों पेड़ों में ही अच्छे लगते हैं, उसे बेवजह तोड़ना नहीं चाहिए और उसकी सुंदरता को बनाए रखना चाहिए। दुनिया की आंगन में, यानी हमारा देश, दुनिया जो है उसके आंगन में से उसकी खुशबू से भर जाने दो। जब पेड़ पौधे फूल सुरक्षित रहेंगे तो हमारा दुनिया भी खूबसूरत और सुंदर हो जाएंगे और खुशबू से भर जाएंगे, यही कवि कहते हैं। तो बच्चों, हमने आपको कविता का अर्थ बताया, अब इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसे समझिए। जिस तरह हम अपने जीवन को सुंदर बनाए रखते हैं और उसके लिए बहुत सारे काम करते हैं, उसी तरह प्रकृति को भी सुंदर बनाए रखने के लिए हमें पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना चाहिए। अपने जीवन में कितने सारे, अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या करते हैं बच्चों? बहुत सारे चीज़ करते हैं, बहुत सारे अनुशासन में रह कर काम करते हैं। उसी तरह प्रकृति को भी सुंदर बनाना रखने के लिए हमें, मतलब
निडर होकर रहना चाहिए और इसके लिए प्रेरित रहना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता को हमने पढ़ लिया। अब आपको इससे जुड़े हुए कुछ होमवर्क है, उसे पूरा करना है। तो पहला होमवर्क है, एक शब्द में उत्तर बताइए। का नंबर, कविता में किसके बारे में बात की गई है बच्चों? तो फूलों के गुच्छों के। ख नंबर, धरती माँ के बच्चे कौन हैं? फूलों के गुच्छे। फूलों के गुच्छे को देखकर सभी पक्षी क्या करने लगते हैं? तो गीत गाते हैं। फूलों के गुच्छे दुनिया के आंगन में क्या भर देते हैं? तो खुशबू को भर देते हैं बच्चों। दूसरा है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उजली डैश में ये, तो क्या होगा बच्चों? उजली रातों में ये लगते डैश नव के तारे, दिन में इंद्रधनुष से मोहक प्यारे प्यारे। कविता अच्छी तरह से बच्चों याद कीजिएगा और इसे अपने से पूरा कीजिएगा। तीसरा होमवर्क है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो क्वेश्चन है बच्चों, पक्षी किसे देखकर गीत गाते हैं? पक्षी रंग बिरंगी इन फूलों को देखकर गीत गाते हैं। इसका आंसर आप लोग लिखिए। दूसरा है, फूलों के गुच्छे किसके समान है? फूलों के गुच्छे धरती माँ के बच्चों के समान है। ग नंबर, धरती पर सुंदरता कब तक है? जब तक धरती पर पेड़ों की हरियाली और फूलों की खुशबू है, तब तक धरती की सुंदरता बनी रहेगी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फूल किसके समान कोमल है? तो फूल परियों की तरह कोमल है। चौथा होमवर्क है बच्चों, सही उत्तर विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है, कवि ने फूलों के गुच्छों को किसका बच्चा कहा है? तो हमने ऑप्शन दिया है बच्चों, धरती का, आसमान का, बगीचे का या माली का। तो आपको इन चारों में जो सही लगे उसके सामने सिर्फ सही का निशान लगाना है, ठीक है बच्चों। दूसरा है, फूल आसमान के तारों की तरह लगते हैं। फूल आसमान के तारों की तरह लगते हैं, सुबह के समय की, दोपहर के समय, संध्या के समय या रात के समय की। तो बच्चों, इसको हमने पढ़ाया है, आपको आता ही होगा। तीसरा है, फूलों को किसके समान सुंदर बताया गया है? फूलों को किसके समान सुंदर बताया गया है? तारों के अच्छा चलो करो, बिजली के, चंद्रमा के या इंद्रधनुष के। तो इन चारों में बच्चों कौन सा होगा आपको चूज करना है खुद से। लास्ट है बच्चों, कवि ने परियों का स्वभाव कैसा बताया है? सरल, झगड़ालू, चंचल या आलसी। इसमें से कौन सा सही होगा बच्चों, उस पर सही के निशान लगाएंगे और आप लोग इस कविता को अच्छे से याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब आगे जून का सिलेबस में ग्रामर है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।